सश्रीकाल के छो, माय नेम इज नलिनी एंड वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं केले से कटलेट और ये बहुत ही यम्मी और डिलीशियस होता है और हेल्थ वाइज तो केला अच्छा होता ही है। उसमें सारी चीजें आयरन, फास्फोरस, जिंक अच्छी मात्रा में होता है। तो आइए देखते हैं केले से कटलेट वो भी टेस्टी टेस्टी कैसे बना सकते हैं। केले का कटलेट बनाने के लिए चाहिए हमें दो, हमने बनाना रॉ बनाना को बॉईल कर लिया है बिल्कुल हल्का पानी डाल के, यानी कि दो बनाना में हमने आधा कप से भी कम पानी लिया और उसको एक सीटी आने पे तुरंत ही उतार दिया और उसको हमने ऐसे मैश कर लिया। ये बॉईल पीज है यानी कि मटर, और इसको भी हमने कोसली ग्राइंड कर लिया। हरी धनिया और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है एक चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर एक चम्मच, गरम मसाला एक चम्मच, पुदीने का पाउडर एक चम्मच। आप चाहें तो हरी मिंट की पत्तियां यानी कि पुदीने की पत्तियां चॉप करके यूज़ कर सकते हैं। सॉल्ट एज पर टेस्ट, कॉर्नफ्लोर एक बड़ा चम्मच, एक बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लेक्स पिसा हुआ है ये, इससे हम बाइंडिंग का काम करेंगे और थोड़ा सा क्रंचीनेस लाने की कोशिश करेंगे, और ब्रेड क्रम्स और एक छोटा चम्मच चाट मसाला। एक बोल में हम डालेंगे बॉइल्ड एंड मैश्ड रॉ बनानास। ये कटलेट बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत हेल्दी भी बनते हैं। इसमें डालेंगे ब्रेड क्रम्स, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, थोड़ा सा ऐड करेंगे, और इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर, ऐड करेंगे पुदीने का पाउडर, गरम मसाला लिटिल बिट, लाल मिर्च का पाउडर लिटिल बिट, हरी मिर्च भी आप यूज कर सकते हैं, कुछ कोरिएंडर लीव्स, जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड सॉल्ट एज पर टेस्ट। बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। एक पैटीज बनाने की कोशिश करेंगे। अगर उस वक्त हमें लगे कि हमारी पैटीज नहीं बन रही हैं तो आप उसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और ब्रेड क्रम्स ऐड कर सकते हैं। हमारी ये बॉइल्ड एंड मैश मटर, इसमें डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा इसमें भी हम हिंट ऑफ पुदीना का देंगे, वेरी लिटिल, और जस्ट ऐड सम सॉल्ट, ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमने केले में भी डाला हुआ है, और इस मिक्सचर को भी मिक्स कर लीजिए। इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा लाइम जूस भी यूज़ कर सकते हैं, ये बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। सबसे पहले हाथ में हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और हम थोड़ा सा केले वाला जो मिक्सचर है उसको ऐसे लेंगे। आप पेटीज को बड़ा और छोटा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा स्पेस बनाएंगे मटर की मिक्सचर को डालने के लिए, जस्ट लाइक दैट। आप इसकी जगह चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, और हम थोड़ा सा इसमें मटर ऐड करेंगे लाइक दिस। अब क्या करेंगे, इसको प्रेस करके इसको अंदर ले जाएंगे और टिक्की को चारों तरफ से ऐसे बंद करके जस्ट ऐसे रोल करेंगे, और ये देखिए इवन हो गया लड्डुओं की तरह। अब इसको हम कॉर्नफ्लेक्स के जो ये चूरा है जिसको हमने पीस के रखा है इसमें हम लपेट देंगे अच्छे से, और इसको कोशिश करेंगे एक पेटीज का रूप देने के लिए, और साइड से इस तरीके से हम इसको दबाएंगे और थोड़ा सा अब हम इसको लंबा करेंगे, सी ऐसे बस, और ये हमारे पेटीज इज रेडी नाउ। और इसी तरीके से करके हम सारा बना लेंगे, और ये देखिए हमारे केले के सारे कटलेट्स ऐसे रेडी हो गए हैं। एक पैन लेंगे, उसको गरम कर देंगे और अपनी केले की टिक्कियों को हम उसमें सैलो फ्राई करेंगे, और ये केले के कटलेट्स को बहुत धीरे से रखेंगे, ध्यान रखेंगे कि हम जले नहीं। केले के कटलेट्स जो हैं आप एज ए पार्टी स्टार्टर, एज ए एपिटाइजर्स और किटी पार्टी में भी सर्व कर सकते हैं। और चूंकि इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं हुआ है, हमने इसको शैलो फ्राई ही किया है,
और इसको अब हम धीमी आंच पे, बिल्कुल धीमी आंच पे इसको पकने देंगे। और जब एक साइड हम पलट के देख लेंगे, उसमें कलर आ जाएगा गोल्डन कलर, तभी हम इसको फ्लिप करेंगे। अब कुछ देर के बाद हम इसको फ्लिप करके देखेंगे, ये देखिए अच्छा कलर आने लगा है। और इसी तरीके से हम सारी पैटीज को, चाहे इसको पैटीज बोलिए या कटलेट बोलिए, इसको हम फ्लिप कर देंगे। ये देखिए आंच को हम धीमी ही रखेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। अब इस साइड भी हम पका लेंगे इसको अच्छे से। और एक बार पैटीज जब दोनों साइड से पक जाए, तो हम थोड़ा सा दोनों ऐसे किनारों पे भी कुछ सेकंड्स के लिए ऐसे तो दोनों साइड पका लेंगे किनारों को। और इसके बाद हम सारे कटलेट्स निकाल लेंगे, क्योंकि ये अच्छे से पक चुके हैं। केले के कटलेट को सर्व करने से पहले हमने यहाँ पे प्लेट में कुछ पुदीने के पाउडर को स्प्रेड किया है, और इसके ऊपर रखेंगे ये क्रंची क्रंची कटलेट्स। वाह! और चूंकि हम बच्चों को सर्व करने जा रहे हैं, तो उनको कुछ हेल्दी खिलाने के लिए हम उनके पास रखेंगे कुछ चॉकलेट ट्रफल्स लाइक दिस, एंड आवर हेल्दी हेल्दी बनाना कटलेट्स इज रेडी नाउ। और यमी होता है, हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छा है। खूब खाइए, बच्चों को खिलाइए, दोस्तों को खिलाइए। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए मेरी डेली नोटिफिकेशंस के लिए। अपना फीडबैक भी ज़रूर दें। मैं नलिनी, इजाज़त चाहती हूँ। नमस्कार।